बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फैसलाबाद, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, शोरकोट, जामपुर, जहाँ जहाँ से भी आप देख रहे हैं और जिसका मैंने नाम लिया है और जिसका नाम मुझे लेने का कहा था बट मैंने नहीं लिया, अगली वीडियो में ले दूँगा, तो सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप बीमार हैं, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। जिस काम की कोशिश में लगे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना चाह रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिज़्क़ के करीम अता फरमाए कि जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का काम करें, मर्ज़ी के टाइम पे काम करें और आपको आपकी मर्ज़ी का पैसा भी मिले, वो भी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ। तो जनाब, बात यह है कि बलम टोटल चेंज हो चुका है, गेम सारी अब बदल चुकी है। अब यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक वो जो बलम के बारे में ये सोचते हैं कि ये हैमस्टर की तरह है, कैटिजन की तरह है, कैट्स की तरह है, डॉग की तरह है, नॉट की तरह है, ये सारे बॉट्स की तरह है, जिसको हम गेम खेलेंगे, जिसको हम फार्मिंग करेंगे, जिस पे टास्क पूरे करेंगे तो हमें यहाँ पे कॉइन्स मिल जाएंगे और कॉइन की जब लिस्टिंग होगी उसकी प्राइस होगी और उसके बाद हम पैसा डालेंगे जेब में। बलम अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर, बट नहीं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? एक्सपर्ट कहते हैं, जनाब, बलम इज नॉट ए जस्ट अ गेम वेयर वी कलेक्ट टोकन्स एंड आफ्टर द एंड ऑफ वी डिलीट द ऐप। सॉरी, बलम यहां पे एक गेम नहीं है जिसपे आप टोकन इकट्ठे करते हैं, टोकन इकट्ठे करने के बाद आप लिस्टिंग का वेट करते हैं, एयर ड्रॉप में जेब में डालते हैं और सॉरी बाय बाय, ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको पता ही नहीं कि बलम क्या है। बलम इज ए कंप्लीट प्रोडक्ट दैट यू विल यूज आफ्टर द लॉन्च ऑफ द टोकन। ये असल चीज तो टोकन के बाद आएगी, असल पता तो आपको इसको टोकन के बाद में लगेगा, जब ये लिस्ट होगा मार्केट में इसकी प्राइस आ जाएगी, ये एक्सचेंज पे आ जाएगा, असल काम तो इसका तब शुरू होगा, असल गेम इसकी तब शुरू होगी। ये क्या होगा? बलम टीम वर्किंग ऑन बलम मी पैड वे प्लेयर विल बी एबल टू ट्रेड फ्यूचर एंड मच मोर, के जिसमें यहां बलम के जो डेवलपर्स हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें बलम के यूजर ट्रेड कर सकेंगे और बड़ी सारी जगह पे इसकी सर्विसेज ले सकेंगे। मतलब समझते हो कि बड़ी सारी जगह पे बलम को दे के डिफरेंट सर्विसेज ले सकेंगे, डिफरेंट काम करवा सकेंगे। जैसे आप डॉलर दे के किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, डॉलर दे के कोई प्रोडक्ट लेते हो, डॉलर दे के आप किसी वेबसाइट को बाय कर लेते हो, डॉलर दे के कोई चीज खरीद लेते हो, तो भैया डॉलर को डिफरेंट जगह पे यूज करने का तरीका सिखाया गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से बलम को भी इसी लेवल पे लॉन्च किया जाएगा। I hope this project succeeds because it's a great addition in the world of cryptocurrency. कि ये cryptocurrency की दुनिया में धमाका करेगा। जी हाँ, धमाका करेगा। और ये कब आपके सामने आ रहा है, ये भी आपको बता देता हूं कि बलम आपके सामने 20 अक्टूबर को आ जाएगा। जी हाँ, 20 अक्टूबर को ये मार्केट में अपनी एंट्री दे देगा। आप कहेंगे मीफाई तो आ रहा है 30 अक्टूबर को, मीफाई ने शोर करना शुरू कर दिया है 6 अक्टूबर को, कि मैं 6 अक्टूबर को बता देता हूं कि 30 को मैं लिस्ट करूंगा। आप सारे के सारे कॉइन चेक कर लो, सबसे कम अपडेट उसके अपने पेज पे आती है, बलम के अपने पेज पे सबसे कम अपडेट आती है। बाकी दुनिया इसके बारे में बात कर रही, सबसे ट्रेंडिंग पे है, दुनिया इसके बारे में अपडेट दे रही है, लेकिन बलम जो करता है खामोशी से करता है, टोटल खामोशी से। ट्रांसपेरेंट इसने रखा हुआ है, इसने अपना एंटी चीटिंग सिस्टम एक्टिव कर दिया है और बस खामोश। जो प्लेयर अच्छा काम करता है वो तो है ओके, उसको तो करते हैं वेलकम, और जो यहां पे थोड़ी सी चीटिंग करने की कोशिश करता है उसको कर देते हैं ब्लॉक, चल तेरा काम खत्म। और ये बलम ने पहले ही कह दिया था कि मैं कभी भी अनफेयर तरीके से काम करने वालों को साथ नहीं रखूंगा। तो इसलिए दोस्तों, इसकी प्राइस पे मत जाइए। कोई आपको बता रहा है इसकी प्राइस 0.05 होगी, इसकी प्राइस 0.009 होगी, प्री मार्केट में ये है, प्री मार्केट में वो है, नथिंग एल्स। इसका मॉडल ही ऐसा नहीं है। आप देखो, मीफाई आपके सामने है, हजार किस्म की चेंजिंग्स आई, एक्स एम्पायर आपके सामने है, हजार किस्म की चेंजिंग्स आई, इसमें कोई चेंज नहीं आया।
सादा है बिल्कुल, जो इसने पहले दिया वही आखिर में दिया। कोई इसने नहीं कहा कि थोड़ी सी ट्रांजेक्शन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नो। जो इसको मॉडल है सिंपल है, लोग इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इसने कहीं नहीं सीजन वन दूंगा, दो दूंगा, थ्री दूंगा, फोर दूंगा, कोई सीजन नहीं, सादा सा काम है। और जो अपडेट आती है दुनिया इसके बारे में बोलती है। तो यहाँ पर दोस्तों लोग इसको अब होल्ड पर रखने का सोच रहे हैं कि इसको किसी तरह से मार्केट में होल्ड पर रखा जाए, इसको किसी जगह अपने पास रखा जाए, क्योंकि फ्यूचर में जो इसके प्लान हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं कि मार्केट जो है वो ब्लम के लिए प्रिपेयर हो रही है। और एस्टीमेट ये किया जा रहा है कि जनाब हर तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आने के बाद इसकी ऐसी शानदार कंपेन होगी कि मार्केट को यह हिला के रख देगा। ये तो दोस्तों इस वक्त बड़ी बड़ी एक्सचेंज पे लेवल के आने का सोच रहा है, बड़ी बड़ी एक्सचेंज को टक्कर देने का सोच रहा है। प्रॉब्लम यह है कि इसके पास कम्युनिटी कब आएगी, और यह अपना काम कर रहा है, कोई भी ये नेगेटिव डिसीजन नहीं ले रहा कि ऐसा ना हो कि कम्युनिटी यहां पे नाराज हो जाए। जी हां, कम्युनिटी को नाराज नहीं कर रहा। तो इसलिए दोस्तों दो तीन बातें इसकी दोहराए देता हूं। एक, 20 अक्टूबर को यह मार्केट में आएगा, अच्छी खासी सप्लाई लेके आएगा, अच्छा खासा टोकन लेके आएगा, प्राइस चाहे लो हो या अप हो, ये मैं नहीं कहता, सीधी बात है, प्राइस ऊपर हो या नीचे हो ये मैं नहीं कहता, ये आपको कहता हूं कि ये आपको फायदा देगा, क्योंकि इसने किसी भी तरह से किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं किया, इसने अपनी एप्लीकेशन में किसी भी चीज को प्रमोट नहीं किया, किसी तरह से यूजर से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की, जितने यहां पे कॉइन्स हैं, बॉट्स हैं, वो आपसे पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपसे पैसा लेने की ट्राई नहीं कर रहा, ये सिर्फ ये चाह रहा है इसके पास बहुत बड़ी कम्युनिटी इकट्ठी हो और उस कम्युनिटी को पॉजिटिवली यूज कर सके, बस ये चाहता है। अब आप सोच लें कि क्या ये आपके फायदे के लिए है कि नहीं है। हमारा प्लान ये है कि ये बड़ी प्राइस दे, हमें ड्रॉप ले, जीए में डाले, सारे के सारे टोकन दे के जान छुड़ाएं, नहीं, ये चाहता है टोकन मार्केट में मौजूद रहें, टोकन लोगों के पास रहें और फ्यूचर में लोग उसको यूज़ करें। जी हाँ, यही इसका ख्वाब है। तो अब देखते ये हैं कि नेक्स्ट अपडेट क्या आती है। अभी तो कोई बड़ी अच्छी अपडेट्स हैं दोस्तों, फ्यूचर में जो अपडेट हुई आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी तक के वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अपने नाम के साथ, शहर के नाम के साथ कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।